अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद मोहम्मद अब्बास। वेलकम अगेन टू एज़ यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र खुदा। टुडे वी आर गोइंग टू मशहद। मशहद जो है कम से एक 1300-1400 किलोमीटर या मे बी इससे भी ज़्यादा हो, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या किलोमीटर है उसका। तो हम मशहद जा रहे हैं, मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है उनकी ज़ियारत पे और वैसे भी विज़िट के लिए भी। तो तैयार हैं, अभी सुबह के 4 हो रहे हैं, अभी अज़ान फजर नहीं आई यहाँ पे कौम में। और वज़ू हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक टी शर्ट, सादी सी टी शर्ट में, और मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पैकिंग हमारी हो चुकी है, पैकिंग में हमने सिंपल सा सामान रखा है, ज़्यादा बैगेज नहीं किए। ये शोल्डर बैग है हमारा इस तरह से, और ये हमारा हैंड बैग कह रहे हैं आप, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स और मोबाइल फ़ोन वगैरह। तो अभी सॉक्स मेरे हाथ में, सॉक्स पहनते हैं और फिर इंशाल्लाह चलते हैं जी। मशहद से हमारी टिकट्स जो हैं वो कुम से हुई हैं तहरान की। तहरान जो है इनका कैपिटल सिटी है ईरान का। सो कैपिटल से हमें ट्रेन, अभी हम जाएंगे कुम से, ट्रेन पर बैठेंगे और जाएंगे तहरान। तहरान से फिर हमारी 8:30 की, यानी कि 8:30 AM सुबह में हमारी है ट्रेन मशहद के लिए। तो वहाँ से हम जो है ये राउंड अबाउट हमें 4:40 पे चलेगी और 7:10 तक वहाँ पे पहुँचाएगी तहरान, क्योंकि बीच में एक 20 मिनट का नमाज का वक्फ़ा भी होएगा। तो ट्रेन रुकेगी, तो उसके बाद जो है हमारी 8:30 भी आगे है मशहद की। और मशहद में हमने पहुंचना है आई थिंक रात के 8 बजे, तो राउंड अबाउट 12-13 घंटे का सफ़र है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही आप इंजॉय करेंगे जी। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल चल के रेलवे स्टेशन की तरफ। तो आप चेक करें सुनसानी कितनी है, अंधेरा है अभी। सुबह जो है सुबह के 4 बज रहे हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हमारे पास एक ये बैग है, एक मैंने शोल्डर बैग पहना हुआ है, और दो हमारे पास खाने पीने के शॉपर्स हैं। तो ये देखें आप, अंधेरा ही अंधेरा, सुनसान। ईस्तगाह जो है, ईस्तगाह बोलते हैं रेलवे स्टेशन को, वो बिल्कुल नज़दीक है घर हमारे, हमारे घर से, इसलिए हम जो है पैदल चल के जा रहे हैं। और वैसे भी सुबह सुबह कोई यहाँ पे टैक्सी जो है वो मिलनी मुश्किल है, इसलिए। तो जी, तो अभी हम जो हैं रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं कुम के, और वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमारी जो है वो आ चुकी है, सामने लग गई है, और हम जो हैं वो वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कोई इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो आप चेक करें। वो सामने जो है ट्रेन हमारी बाहर लग चुकी है। तो ये है जी कुम का रेलवे स्टेशन, इस तरह का। चार बज के 40 मिनट पर हमारा टाइम है, और ये हमारी टिकट है इस तरह से। फर्स्ट हम जो हैं कुम से जा रहे हैं तहरान, तहरान से इंशाल्लाह 8:30 बजे ईरानी टाइम, 8:30 बजे जो है हमारी ट्रेन है मशहद की। अराउंड वो 12-13 घंटे लग जाएंगे जाते जाते। आज से 4 साल पहले भी जब मैं आया था तो हम कुम से मशहद और मशहद से कुम ऐसे आए थे इसी स्टेशन पर, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इनकी ट्रेनों का और इनके टाइम का। टाइम के बड़े ये पक्के हैं, 4:40 अगर लिखा हुआ तो उसी टाइम पर ये जो है ट्रेन चल पड़ेगी, और जो टाइम एग्जैक्टली इन्होंने यानी कि रीच टाइम लिखा होता है उस पर ये पहुँच भी जाएगी अपने टाइम पे। तो नमाज के वक्फे होते हैं लाजम है, अभी फजर की नमाज का टाइम जो है वो थोड़ा रहता है, तो उसका भी वक्फा करेंगे ये बीच में। तो 20-25 मिनट जो है वो नमाज का वक्फा होएगा, तो बाकी जो है वो चलती रहेगी बाकी दो। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो ये है जी हमारा सेटअप, मैं अपने कैजुअल शूज़ में ट्राउज़र शूज़ और टी शर्ट में,
वाइफ अपनी चादर में, ये हमारा बैग है, हमारा यानी कि सूट्स वगैरह इसी में सारे, और ये हमारा एक शोल्डर बैग और एक हमारा वो ये है यानी कि इसे आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए जो बैग होता है ना वो है। तो ज़्यादा सामान भी नहीं है, बस खाली खाली हाथ ही हैं ताकि सफ़र भी इंजॉय और ज़्यादा थकन भी ना हो, उठाना भी ना पड़े, क्योंकि सामान तो आपने खुद ही उठाना है, और फिर जब वाइफ साथ हो तो सारा सामान हस्बैंड को उठाना पड़ता है। ये भी आप लोगों की एक नई चीज़। चलो ये जी दो तबका ट्रेन है, यानी कि अप एंड डाउन ये ट्रेन है। नीचे रख दो, ये देखें ऊपर जैसे डबल ट्रेन होती है ना, डबल बस डबल डेकर उस तरह की, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जाती हैं, तो ये डबल ट्रेन। और ये भी रख दूँ ये, सो ऐसे सीन है। गाइस अभी ट्रेन रुकी है, 20 मिनट का वक्फ़ है, नमाज़ फजर की नमाज का टाइम यहाँ पे हुआ है, तो 20 मिनट का वक्फ़ा जो है वो बराए नमाज़ और हम जो हैं ये जा रहे हैं। ये ऊपर ट्रेन की पटरी है, नीचे ये टनल टाइप है, और ये हम ऐसे करके दूसरी तरफ जो है मेरे ख्याल नमाज खाना बना हुआ है, खाने पीने के लिए भी रेस्ट एरिया सारा कुछ इधर या कैफेटेरिया, ये चेक करें। हमारी ट्रेन दूसरी पटरी पे, ये और कोई ट्रेन रुकी हुई है, तो ये है नमाज। तो ये इस तरह वॉशरूम्स हैं, और ये नमाज खाना है, ये नमाज खाना। जाना आप जाओ, आप मुझे सही जगह दे दो। तो जी अभी हम नमाज़ पढ़ लें, और उसके बाद ये मर्दाना है नमाज खाना है मर्दाना, ये वाला बनाना है इस तरफ से। जी तो अभी हम जो है तहरान रेलवे स्टेशन वहाँ पे आ चुके हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन का। तो राउंड अबाउट 8:30 बजे है, अभी 7:55 हो रहे हैं, 7:55। आप चेक करें एयरपोर्ट, बहुत ही शानदार एयरपोर्ट कह रहा हूँ बार बार, रेलवे स्टेशन ऐसे ही लग रहा है, इसका स्ट्रक्चरिंग और सारा कुछ ऐसा जैसे एयरपोर्ट होता है। लुक एट हियर, इसकी रूफ बहुत ही क्लीन एंड क्लियर, साफ सुथरा। मुझे तो काफ़ी दफ़ा मैं कंफ्यूज हो गया, यही वर्ड बोला है एयरपोर्ट, हालांकि ये रेलवे स्टेशन है इनका, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें सारा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कैपिटल सिटी है इनका, तो इसमें एयरपोर्ट भी है तहरान में, रेलवे स्टेशन भी इनका बहुत हाई फाई। फिर इनकी ट्रेनें जो हैं वो ट्रेन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ से मशहद जाना, फिर इनका एक शहराज है शहर, उधर जाना, यज़ तब्रेज़, यानी कि ये जो सिटी दूर दूर है कौम से या तहरान से, ये ज़्यादातर सफ़र जो है पब्लिक वो ट्रेनों के ज़रिए करती है, बस की नस्बत ट्रेनों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हाई फाई सिस्टम है इनके सारे। ये देखें मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, आप ये चेक करें, ये रूफ चेक करें इनकी, फारसी और इंग्लिश, फारसी लैंग्वेज और इंग्लिश में भी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि मुसाफिरों को समझ आती रहे।
कि जो ट्रेनें हैं उसमें जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे होती हैं, तो ये इनकी एक बड़ी मारूफ मशहूर जो फेमस है वो है फदक। फदक ये सामने आपको नज़र आएगी, ये देखें फदक ट्रेन। ये फदक ट्रेन जो है ये बहुत मारूफ है, इसमें एक तो खाना पीना भी आपको देते हैं, दूसरा इसकी सीटिंग और इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत हाई फाई होता है, यानी कि 5 स्टार जैसा होता है। और हमारी ये है रजा, ये सामने जो आपको नज़र आए रजा, हम इस पे जा रहे हैं रजा पे। तो ये इसमें सीटिंग सिस्टम होता है जैसे मैंने आपको दिखाया पहले, आप देख रहे हैं व्लॉग में, तो इसका सीटिंग सिस्टम भी होता है। और फिर एक बुन रेल है वो सामने नज़र आ रही, बुन रेल नूर रज़ा महताब। तो वापसी जो है हमारी रिटर्न वो बुन रेल पे, तो वो भी अच्छी। लेकिन इनकी जो सबसे ज़्यादा हाई फाई ट्रेन है वो यही है फदक, 5 स्टार है। ATMs मशीन लगी हुई हैं, हर बैंक की तकरीबन लगी हुई है यहाँ। तो ये देखिए अच्छा, काफ़ी अच्छा सेटअप है उनका। ये जो है ये वो है कूलर, बाहर कूलर है, ऊपर छतों में लगे हुए हैं तो उनके अंदर हवा आ रही है ठंडी। यहाँ ऐसे बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर कूलर्स ही यूज़ करते हैं ये, क्योंकि आबो हवा इनकी ज़रा खुश्क टाइप की है, तो खुश्क आबो हवा में ये आप भी कूलर होते हैं, इनके पानी चलता है और फिर वो हवा, तो ये आप भी कूलर बोलते हैं उनको। तो ये अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें 7:00 कुछ मिनट हो रहे हैं, इनके 8:00 तकरीबन, और हमारी ट्रेन जो है वो 8:30 रवाना हो जानी, चल जानी है। लें जी, सलमान खान ईरान में भी आ गया, और वो भी पर्शियन डब में, फारसी डब में आ गया। काम चेक करें ईरानियों का, अब इनकी ट्रेनों में जो है वो फिल्में हिंदी लग रही हैं और वो भी डब हुई हैं। अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं, तहरान से ट्रेन चल पड़ी है और मस्जिद के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ट्रेन भी सेम जैसे पहले वाली थी, संदली वाली, ये भी वैसे की है। इसमें भी 2 तबके हैं, एक अपर यानी कि डबल डेकर कह लें आप, वही डबल छत वाली। ये बाहर सीन देखें, सुबह हो चुकी है, 8:30 का टाइम हो गया है, और इंशाल्लाह हम रात 8:30-9 के करीब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी ये मूवी देखें, सलमान खान साहब जलवा गा रहे हैं, और लगे भी पर्शियन में, डब पर्शियन में की हुई है इन्होंने। जी अभी हम दामगान, एक इलाका है इनका दामगान रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, और नमाज का वक्फा आया, नमाज ज़ोहर का, तो ये आप चेक करें, दामगान रेलवे स्टेशन पे अभी खड़े हुए हैं दामगान। ये देखें ट्रेन के इंजन के आगे एक फाख्ता आ गई, पाख्ता आ गई है, एक मर गई बेचारी।
सो गाइस, जब भी आप किसी सफ़र पे जाएं, खसूसन ट्रेन के सफ़र पे, अपनी ग़ज़ा को बहुत ही सादा और सिंपल रखें। आप ग़ज़ा की सिंपलिसिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज हमने अपने सफ़र में सारे दिन में 4 चॉकलेट्स, 1 बोतल लस्सी की, 3 डब्बे मोर पुलाव, ये पशमक जो अभी भी खाया जा रहा है, इसके अलावा भुने हुए चने, इसके अलावा 3 पैक हमने बड़े लेस के, इसके अलावा हमने 1 पाइनएप्पल 1 लीटर पैक, और इसके साथ साथ 3 कप कॉफ़ी के चढ़ाए हैं। तो अपनी ग़ज़ा को भाई बहुत ही सादा रखें, क्योंकि ग़ज़ा सादा रखना और कम खाना बहुत ज़रूरी है। दुआ में याद रखें, सादा कम और ज़्यादा। फाइनली जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मशहद पहुंच चुके हैं, और राउंड अबाउट 14 घंटे जो है ना ट्रेन ने हमें काफ़ी जलील किया। इसमें जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी भी ज़्यादा जल्दी पहुँचाएगी, बट उतना ही इसने हमें 1.5 घंटा लेट किया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंच गए हैं, और ये आप पैसेंजर्स का रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा, और ये आप देखें मशहद का रेलवे स्टेशन बहुत प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे टाइम जो है वो राउंड अबाउट 9:15 हो चुके हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो था 8:15। बहरहाल फिर भी हम टाइमली तो नहीं खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली आप कह सकते हैं पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और लाइक्स कमेंट्स जो है वो देते रहें हमें। दुआओं में याद रखें, खुदा निगहदार, अल्लाह हाफ़िज़।